होया फैसला। चीमा बोले अकाल तख्त साहब का प्रधान नु हुकम, मतलब पार्टी नु हुकम। अकाली दल दे जिमी चोन ना लड़न दे फैसले दे विचाले जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह दा वड्डा बयान। अकाली दल दे चोन लड़न ते कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ पार्टी प्रधान नु चोन लड़न दी आग्या नहीं। अकाली दल ने एजीपीसी प्रधान दी चोणां लई मुड़ हरजिंदर सिंह धामी ते खेड़िया दा। अकाली दल सुधार लहर दी उम्मीदवार जगीर कौर दे नाल होवेगा मुकाबला। एसजीपीसी प्रधान लई 28 अक्टूबर नु होवेगी वोटिंग। जथेदार अकाल तख्त साहब की ताड़ना तो बाद राजा वड़िंग ने मंगी माफी। कहा मैं कोई मर्यादा का नहीं किया उलंघन, मन दे भाव रखे सी, सच्चा सिख होने के नाते मंगदा हाँ माफी। पहला जथेदारा नु दस्या सी सुखबीर दे बंदे। जिमनी चोन दे लई दिग्गजा ने भरी नामजदगी। गिदड़बाहा च अमृता वड़िंग, मनप्रीत बादल ते डिंपी ढिल्लों ने किया नॉमीनेशन। बरनाला तो केवल ढिल्लों ते काला ढिल्लों ने भरे परचे। रजिस्ट्रियां च एनओसी दी शर्त खत्म करने वाला बिल मंजूर। गवर्नर ने पंजाब सरकार वालों भेजे बिल नूं दित्ती मंजूरी। सीएम मान बोले लोगों नूं मिलेगी वड्डी राहत। भारतीय हॉकी दी साबका कप्तान राणी रामपाल ने लिया संन्यास। 16 साल के करियर के दौरान 254 मैचों में किए 205 गोल। 2020 मेजर ध्यान चंद खेड रत्न अवार्ड के नाल किया गया सम्मानित। पंजाब न्यूज 18 के मंच से जुटनगियां पंजाब दियां नामवर हस्तियां। वख-वख खेत्रां दे सितारे सांझे करनगे अपने तजर्बे। न्यूज 18 की खास पेशकश प्रोमीनेंट पंजाबी शुक्रवार शाम 5:30 बजे तो लगातार। सत श्री अकाल, न्यूज 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल प्रीति पॉल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो गल करते हैं विरसा सिंह वलटोहा की। तो विरसा सिंह वलटोहा ने मुड़ तो सवाल खड़े किए ने। उन्होंने पूछे है कि राजा वड़िंग ते क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो सकती, कि पतित सिख के नाते वड़िंग नू छोट है, कि कांग्रेसियों नू सिखी च सारे गुनाह माफ ने, कि अकाली होने ते राजा वड़िंग नू हुंदी 10 साल की सजा। हुण तां मुश्किल है क्योंकि वह कांग्रेस का प्रधान है। तो विरसा सिंह वलटोहा के वलों राजा वड़िंग के बयान से सवाल चुके गए ने। ते अकाल तख्त साहब तो यह पूछा गया है कि राजा वड़िंग ते कि हुण कोई कार्रवाई होगी, कि पतित सिख के नाते राजा वड़िंग नू छोट है, कि कांग्रेसियों नू सिखी च सारे गुनाह माफ ने। तो विरसा सिंह वलटोहा के वलों एक बार फिर तो जो है सवाल चुके गए ने। दस दईए कि इस तो पहला उन्होंने वालों अकाल तख्त साहब से सवाल चुके गए, जिस तो बाद उन्होंने जथेदार के वलों पेश होने के हुक्म दिए गए थे। उस तो बाद उन्होंने पार्टी के 10 साल के लिए उन्होंने बाहर कढ़िया गया। तो उसको लैके ही हुण जो है विरसा सिंह वलटोहा के वलों सवाल पूछे गए ने। ता राजा वड़िंग ने जथेदार तो माफ़ी मंगी है। उन्होंने कहा है कि सच्चा सिख होने के नाते मैं माफ़ी मांगता हाँ, मैं मर्यादा का उलंघन नहीं किया, मैं सिर्फ अपने मन के भाव रखे ने। वड़िंग ने जथेदार से सवाल चुके से। उन्होंने कहा है कि सुखबीर बादल से लए फैसलों उन्होंने वालों जो है स्क्रिप्टर दसिया गया सी। ता एक न्यूज़ 18 की इंटरव्यू से उन्होंने वालों ये बयान दिता गया सी कि जो है अकाल तख्त साहब तो जो जो उन्होंने वालों फैसले लाए जाते हैं वो उन्होंने वालों सुखबीर सिंह बादल के वालों स्क्रिप्टड होंगे ने, जिसन लैके हूँ अकाल तख्त के वालों उन्होंने तो माफ़ी मंगवाई गई है। बिल्कुल, थोड़ा जिथों जिल करता है मनप्रीत बादल साहब उतों चुनाव लड़ना चाहिए, पर यह ना कहें भी मेरा इतों दिल टुट गया। कि थोड़ा लगता है भी चार बार लोगों ने जताया इतों दिल टुट गया, हूँ बठिंडे दिल टुट गया, फिर बठिंडा पार्लीमेंट चो दिल टुट गया, हूँ जी गिदड़बाणी फिर हराता। ये उन्होंने पूछ लियो, थोड़ा पहला हराया से तुम चले गए बठिंडा, बठिंडा वाले ने हराया तुम इतने आ गए, जे हूँ फिर दीवार से लिख के लै लो मनप्रीत बादल बहुत बुरी तरह हारेगा। अगर इतों हार गए तुम ये सवाल पूछ लियो, फिर कि नहीं कहोगे भी गिदड़बाने मेरा दिल टुट गया तो हूँ मैं जलालाबाद चलिया जो कि। बिल्कुल, थोड़ा जितों जिल करता है मनप्रीत बादल। मैनू तो इस गल की समझ नहीं आई भी जथेदार जी, मैनू जथेदार जी कहे कि वड़ेंगे इतने आके भांडे मांज तो मैं भांडे भी मांजागा। मैनू कह राजे तू जुत्ते झाड़ तो मैं जुत्ते झाड़ागा, वैसे भी वह मैं सेवा करना। मैनू आखनगे कि होर कोई काम भी जोड़ा अकाल तख्त साहब के जथेदार रघबीर सिंह जी साढ़े सन्मान योग मैं कह मैं करा,
पर मैं उन्होंने बारे ना तो अकाल तख्त साहब के बारे तो ना किसी होर बारे मैं कोई ऐसे भी जिन्होंने उन्होंने मन में ठेस पहुँचे मैं कोई ऐसे शब्द नहीं कहे। जितों तक माफ़ी का सवाल है मेरे तो पंजा वारी माफ़ी मंगा लैन अगर अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब का मैनू स्नेहा आ जाए जिमें तुसी आ कहने भी अगर ये उन्हां दा बयान है जां उन्हां दी चिट्ठी है तो मैं पांच बार पहले ही कह दिंदा कि जथेदार साहब जी और मैं तुहाडा सम्मान करदे होए मैं तुहाडे तो जे तुहानू लग्या कि मैं कोई गलत शब्द कहते है तो मैं थोड़े तो खिमा दा जाचका और पूर्ण तौर पर सिख शरदा दे मुताबक और एक सच्चा सिख होने के नाते मैं थोड़े तो माफ़ी मंगदा पर मैं किसी मर्यादा के खिलाफ कोई गल नहीं की। मैं तो आपके मन के भाव क्योंकि अकाली दल ये गल कह रहा है कि असी चुनाव इस करके नहीं लड़ रहे कि सानू अकाल तख्त साहब तो तनखाइया करार किया गया है तो मैं यही पूछना चाहना कि तनखाइया करार सुखबीर सिंह बादल नू किया गया है कि सुखबीर सिंह बादल नू ही चोन लड़न तो रोकया गया कि पूरी अकाली दल नू चोन लड़न तो रोकया गया और कि सुखबीर सिंह बादल नू चोन लड़न तो रोकया गया है कि नहीं रोकया गया इहदे बारे भी असी मर्यादा दे तहत मैं अकाल तख्त साहब साढ़े जथेदार साहब नू सिर चुका के इहदे बारे भी मैं चाहना कि क्लैरिफिकेशन हो जाए। अकाली दल दे फैसले दे नाल पंजाब दी सियासत गर्मा गई है। अकाली दल दे भी कुछ लीडर चोणा लड़न दे हक च सन पर विरोधी धिरां ने ना सिर्फ इस फैसले ते सवाल खड़े कर रही ने बल्कि इस नू स्क्रिप्टड भी दस रही ने। अकाली दल भावें जिमनी चोणां दे मैदान चो हट गया है पर इस फैसले नूं लैके पार्टी दे सारे लीडरां दी एक राय नहीं सी। पार्टी दे कद्दावर लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया चोणां लड़न दे हक विच सन ते उहनां मजबूती नाल चोणां लड़न दी गल कही सी। अकाली दल नूं इलैक्शन लड़नी चाहीदी ठोक बजा के लड़नी चाहीदी। मैं तां इत्थे कोर्ट दी तरीक ते आया सां सो मैनूं इस गल का पता नहीं क्योंकि पार्टी की मीटिंग उत्थे चंडीगढ़ सदी हुई है मगर मेरा यह मानना है कि यह जरूर साडे प्रधान साहब कैंपेन नहीं कर सकते उन्होंने रोक है उसका हैंडीकैप तो जरूर है मगर बाकी वर्कर ते लीडरशिप तगड़े होकर लड़ाई लड़न। सिर्फ बिक्रम मजीठिया ही नहीं विरसा सिंह वलटोहा ने भी दावा किया कि 13 तरीक नूं हुई मीटिंग च गिदड़बाह तो सुखबीर बादल नूं मैदान च उतारन दा फैसला होया सी ते चब्बेवाल सीट बसपा नूं छड्डण ते सहमति बनी सी। मैं क्योंकि मैं जिन्ना कि जानदा हां जिहड़ी पिछे 13 तरीक नूं मीटिंग हुई सी बकायदा कोर कमेटी दी जिहदा मैं भी हिस्सा सी उस मीटिंग दे विच भी बकायदा यही डिसाइड होया सी कि चारे चोणा जिहड़ियां जिमणी ने लड़नियां ने क्योंकि चब्बेवाल तो जिहड़ा कोशिश की जा रही सी कि ये जिहड़ी है BSP ने जिहड़ी है उन्हां नूं छड्ड दित्ती जावे अलायंस करके अलायंस बना के इलैक्शन लड़ी जावे ये बकायदा डिसाइड होया सी। अकाली दल तो वक्त होए सुधार लहर के लीडर ने भी अकाली दल के चोणा ना लड़न के फैसले नूं आत्मघाती करार दिता ते अकाली दल नूं खत्म करने वाला फैसला दस्या। पंजाब के इतिहास में एक काला दिन है 104 साल पुरानी पार्टी का अज यह हाल हो गया है कि पार्टी सुखबीर बादल है तो सुखबीर बादल ही पार्टी है। शर्म नाल मर जाना चाहिए सारे उन्होंने लीडर जिहड़े सिर्फ एक इंसान नूं ही पार्टी मनते हैं। उधर राजा वड़िंग ने गंभीर इल्जाम लाउंदिया कहा कि अकाल तख्त साहिब तो जारी होया संदेश भी स्क्रिप्टड है क्योंकि गिदड़बाह च मनप्रीत बादल की मदद करने लई अकाली दल चोणा चो पिछे हटिया है पर अकाली दल ने वड़िंग दे इल्जामां नूं पूरी तरह नकार दिता है। अकाल तख्त साहब दा असी सम्मान कर रहे हैं लेकिन अकाल साहब ते जिहड़े फरमान जारी करदे ने लोग सुखबीर बादल दे लोग ने
अकाल तख्त का सन्मान है, लेकिन अकाल तख्त के जिहड़े लोग फरमान जारी करते हैं वो सुखबीर सिंह बादल है। वो उत्थे बैठे ही जो मर्जी तय कर लेंगे ने, उन्होंने कहा कि हुण ऑल ऑफ सडन तुसीं ये लिखते हो कि असीं सुखबीर सिंह बादल तनखाइया कोई होर तो नहीं करा, सुखबीर सिंह बादल करा रहा है, हरसिमरत जी को लड़ा दे। ये कांग्रेस ने तो सारी उम्र ही तख्तों नाल टक्कर ला के रखी है, उही भाषा अज जिहड़ी है वो कांग्रेस का सूबे का प्रधान बोल रहा, क्योंकि जिहड़ी पार्टी ने अकाल तख्त तोपां ते टैंकां नाल हमला किया उहदे प्रधान दे मूंह इहो जी स्टेटमेंट ही आ सकती है, कोई चंगा शब्द तो श्री अकाल तख्त साहब बारे नहीं आ सकता, इस करके इन्हां दी आदत है बोलते रहिंदे। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 85 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ SGPC ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਈ 85 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਈ 85 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨਾ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੱਜਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਰਦ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਯੂਸ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਕੇ, ਬਾਹਾਂ ਤੜਾ ਕੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਯੂਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ 92 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ 30% ਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਵੀਰੋ ਵਰਗੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਛਡਾਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ। ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ SGPC ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੱਸਣ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲਿਆਉਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ PC ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੂਟ ਐਂਡ ਸਕੂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੇਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ SGPC ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ 100+ ਨੰਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਆਜੂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ 100+। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 100+ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 85 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ। 85 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ 85 ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ SGPC ਵੀ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, BJP ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ SGPC ਖੋਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, SGPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨੇ ਨੇ,
कोई बाहरों किसी ने आके थोड़ा ना SGPC मैंबर जिहड़े चुने हुए लोगों के लिए उन्होंने करनिया साड़ी तो मंग एक है बड़े लंबे समय तो भी SGPC की जनरल चोन होनी चाहिए है दुबारे लोग आपके SGPC मैंबर चुन के भेजन ये तो पुराने ही SGPC मैंबर राही दुबारे चोन करा के आपका प्रधान बन देने। भारतीय हॉकी की सबका कप्तान ने संन्यास ले लिया। सबका कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास लिया। जेकर उन्हां दी सफर की गल करिए 14 साल की उम्र च उन्होंने कौमांतरी हॉकी दे विच डेब्यू किया। 15 साल की उम्र च 2010 के वर्ल्ड कप च हिस्सा लिया। 2010 के वर्ल्ड कप च भारत दे वल्लों उन्होंने 7 गोल किए। 2020 च मेजर ध्यानचंद खेड रतन दे नाल उन्होंने सन्मानित किया गया सी। सर्वोच्च अवार्ड पद्म श्री नाल भी उन्होंने सन्मानित किया जा चुका है। तो 16 साल के कैरियर च 254 मैचा च उन्होंने 205 गोल किए। हरियाणा गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट, हॉकी इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड टू ऑल माई स्पॉन्सर्स का थैंक्स करती हूँ एंड ऑल माई हॉकी फैंस वेल विशर्स। यू नो आप लोगों की एनर्जी हमेशा ही मेरे साथ रही है एंड मैं थैंक्स करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिन्होंने मुझे यू नो इतने अच्छे अच्छे ऑनर्स के साथ नवाजा जैसे कि खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड।